नाउ वी विल सी वट लिटरेचर सेब्यूज़ कुछ बातें तो ऐसी हैं ना कि भाई चाइल्ड एब्यूज़ क्या है कैसे है क्या इसके असरा हैं कौन कर सकता है सो इट कंसि वाइटी ऑफ कॉन्टेक्टिंग एंड नॉन कॉन्टेक्टिंग एक्ट डायरेक्टेड टू द चाइल्ड कुछ ऐसे एक्ट हैं जिससे बाकायदा बच्चे से कॉन्टेक्ट होता है और कई ऐसे हैं जो उससे कॉन्टेक्ट किए बगैर भी उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं मसलन इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स सेक्शुअल कॉन्टेक्ट्स प्रोनोग्राफी एग्जीबिशंस एंड रेप तो ये सारी वो सूरत हाल है कि आप दूर से भी किसी बच्चे को इमप्रॉपर कमेंट कह दें कोई ख़राब या गलत बात कह दें तो वो हरासमेंट तो है ना बच्चे तो घबरा जाते हैं उनको नहीं पता कि वो क्या लैंग्वेज है और उस किस नीयत से कही जा रही है तो वो हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं फिर अगर सेक्शुअल कॉन्टेक्ट है तो फिर तो और भी बुरी बात है फिर प्रोनोग्राफी इसका एक अगला स्टेप है कि फिर उसको वीडियो टेप कर लिया जाए या ऑडियो टेप या जो भी उसको उसका कोई शवाहित तैयार कर लिए जाए और और भी इस, इसकी एक्सट्रीम सूरत हाल है रेप तक सो so, जो सेक्शुअल uh, एब्यूज है इट्स एन एक्सट्रॉडनरी प्रॉब्लम एज डिटेक्शन इज डिफिकल्ट बिकॉज इन केसेस आर डन इन सीक्रेट एक बात तो लिटरेचर हमें ये बताता है कि बहुत सी ऐसी एब्यूज है जो मंजर आम पर आती ही नहीं उसकी वजह यह है कि इसको अमूमन सीक्रेट रखा जाता है जाहिर है किसी के सामने किसी को अब्यूज़ किया जाएगा तो फौरन उसको बचाने की कोशिश की जाएगी अब वो क्यों सीक्रेट रखी जा सकती है और की जाती है कि बच्चों को डराया धमकाया जा सकता है और उनको डराया धमकाया जाता है कि वो किसी को बताएंगे नहीं और फिर उन पर जुल्म किया जाता है यू एन प्रो क्लेम दाइल्ड नीड स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस अब जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं वो ये कहते हैं एक तो ये कि बच्चों को पहले बहुत अच्छी केयर देनी चाहिए बचाना चाहिए ऐसे केसेस से जहाँ वो किसी का भी किसी के जुल्म का शिकार हो सकते हैं लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वाक़ हो गया है तो फिर उनको मुकम्मल तौर पर असिटेंस की ज़रूरत है ना कि मजीद जुल्म की ज़रूरत है सो so, जो इन स्कूल विद चिल्ड्रन हम स्कूलों में भेज के समझते हैं हमारे बच्चे महफूज हो गए स्कूलों के अंदर भी चूँकि उनका मुख्तलिफ तरह के लोगों से इंटरेक्शन रहता है तो ये खतरा वहाँ भी है स्कूल में भी ये हो सकता है क्योंकि एडल्ट भी हैं पीयर्स भी हैं और हर तरह का माहौल है वहाँ भी उनको स्कूल से बाहर भी कई दफ़ा जाना होता है तो वो भी कोई सेफ जगह नहीं है जब तक सेफ़ पॉलिसी ना बना ली जाए इट कैन बी अ गैंग रेप रिजल्टिंग इन द डेथ तो जो इसकी एक्स्ट्रीम सूरत है वो ये है गैंग रेप हो जाए और उससे बच्चे मर भी जाते और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे केसेस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां बच्चे इस एब्यूज की वजह से मर गए और या बहुत हद तक जख्मी हुए बाद में उनकी मौत वाक्य हो गई तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है फॉर दिस टीच स्टूडेंट सेल्फ डिफेंस टेक्निक अब ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक वालदेन को भी बच्चों को सिखाना है कि कल को कोई तुम्हारे कोई ऐसे बुरी नीयत से करीब भी आता है तो किस तरह से तुमने अपने आप को बचाना है स्कूलों में भी इसकी तरबियत का अहतमाम किया जाए और उधर भी पॉलिसी होनी चाहिए एक तो ये कि कोई कॉन्टैक्ट ऐसा होना ही नहीं चाहिए आ, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए सर्वेलेंस के लिए कैमरे हों मख्त तरह की स्ट्राटीज़ हों लोगों के अंदर अवेयरनेस हो हर किसी को रूल्स का पता हो उनको ये भी पता हो कि खुदा खास्ता अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके नतज़ज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे और ये उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है दैन गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एनवायरमेंट तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि वो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाए और उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो जो आपके स्कूल uh, के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको अवेयर कर रहे हैं उनको लूप में ले रहे हैं उनके साथ कलेबोरेट कर रहे हैं फिर जैसे हमने अर्ज किया कि सेफ इंस्टीट्यूट के नाम पे फिर कुछ कैमरे वगैरह इंसर्ट किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि उनकी सर्वेलेंस हो रही है क्लासरूम्स के अंदर जो उस कर रहे हैं वो भी सबको पता हो फिर ये कि जो इस हैं और जो बच्चे हैं उनको अच्छे से अवेयरनेस दी जाए ख्वा वो रिटर्न में हो खा औरल हो या ट्रेनिंग दी जाए तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर भी रहे हैं लेकिन जैसे हमने पहले अर्ज किया हमारे मसायल महदूद हैं और हमारी ये सारी कोशिशें लिमिटेड हैं इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है टूवॉर्ड रिमोट एरियाज टूर्ड द प्लेसेस जहाँ पे कोई देखने वाले भी नहीं और जहाँ दूर दराज इलाके हैं और जहाँ पे बच्चों को लंबा लंबा सफ़र भी करना पड़ता है ट्रैवल भी करना पड़ता है तो इन सारे मसाइल पे काबू पाने के लिए एक बड़ी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस की जरूरत है यानी जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको उस तक एक्सेस हो सब जान जाएँ कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं या अगर गलत हैं तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है बच्चों को और हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उनकी मदद के लिए